नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बंगाल के टॉप नौकरशाह अल्पन बंदोपाध्याय के ट्रांसफर को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने हो गए हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान किया है। वहीं मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी हरिकृष्ण द्विवेदी को सौंपी गई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को 5 पेज की चिट्ठी लिखी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी को रिलीव करने से इनकार कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार अब उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर लगने के बाद सत्ता पक्ष ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने के पीछे तर्क रखा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों की ओर से झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। लोगों में गलत धारणा बनाकर पूरे देश को भ्रम में डाल दिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना संक्रमण को लेकर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट में दावा किया है कि 2021 के अंत तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया है कि जनवरी से अब तक 5% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल सकी है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी वैक्सीनेशन की नीति को लेकर केंद्र पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है, दुखद सच। देश में कोरोना संकट के हालात अब सुधर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 600 से कम होने पर कोरोना कर्फ्यू हटाने का आदेश जारी किया, और जब ये आदेश जारी किया गया तो उस वक्त 600 से कम जिले 55 जिले थे। सोमवार को कोरोना में ढील के आदेश में 6 और जिलों का नाम जोड़ दिया गया है। CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिए टाल दी है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला ले लेगी, इसलिए सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी जाए। केंद्र ने कोर्ट को 2 दिन के भीतर अपना आखिरी फैसला अवगत कराए जाने की बात कही। तमाम विरोध के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर भारत सरकार की सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन के लिए राजी हो गया है। ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अनुपालन कर लिया है और 28 मई को ही उसने शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया है। हालांकि ट्विटर ने शिकायत अधिकारी के नाम के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। केरल विधानसभा ने लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए एक प्रस्ताव सोमवार को सर्वसम्मति से पारित किया है। इस प्रस्ताव में द्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस बुलाए जाने की मांग की गई है और केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है, ताकि द्वीप के लोगों के जीवन और उनकी आजीविका की रक्षा हो सके। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में मस्जिद में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर योगी सरकार के राज्य मंत्री ने निशाना साधा है। राज्य के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि ओवैसी मुजफ्फरनगर की जनता को भड़काने का काम न करें। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सेंसेक्स निफ्टी के हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 515 अंक यानी 1% ऊपर 51,937 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 147 अंक यानी 0.95% की तेजी के साथ 15,583 के स्तर पर बंद हुआ। ये निफ्टी के बंद होने का उच्चतम स्तर है।